आरएलडी नेता की हत्या। बागपत के छपरौली थाना क्षेत्र के गांव बदरखा में शाम ईंट भट्टा मालिक व राष्ट्रीय लोकदल के नेता देशपाल खोखर की गोली मारकर हत्या की वारदात सामने आई है। अज्ञात बाइक सवार तीन बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया और फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बता दें कि जनपद बागपत के छपरौली थाना क्षेत्र में आज शाम बाइक सवार तीन बदमाशों ने अपने ईंट भट्टे पर बैठे ईंट भट्टा मालिक व राष्ट्रीय लोकदल के नेता देशपाल खोखर की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। बताया जा रहा है कि देशपाल खोखर विधानसभा चुनाव में छपरौली से रालौद के टिकट की दावेदारी भी कर चुके थे। देशपाल की हत्या के बाद से गांव में दहशत का माहौल है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस हत्या के कारणों की जांच कर रही है। छपरौली में सर एक व्यक्ति को गोली मारी गई है, सर पूरा विवरण क्या है सर? आज थाना छपरौली के गांव बदरखा में सुबह करीब 7 बजे ईंट भट्टा मालिक देशपाल, जिनकी उम्र 52 वर्ष है और जो ग्राम बदरखा के रहने वाले हैं, इन्हें एक मोटरसाइकिल पर सवार आए तीन अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोली मारने की घटना दर्ज की गई। घायल देशपाल को तुरंत ही आस्था अस्पताल लेकर के जाया गया, जहाँ डॉक्टर द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया। हत्या के कारणों एवं अपराधियों का पता लगाया जा रहा है। थैंक यू।